भारत के तिरंगे को देते हैं सलामी हम, और इसको बुजुर्गों की ताईद समझते हैं, और इसको बुजुर्गों की ताईद समझते हैं। सुन लो ये जहां वालों, हम ऐसे मुसलमान हैं। सुन लो ये जहां वालों, हम ऐसे मुसलमान हैं। आजादी के दिन को भी समझते हैं। मैं पेश करती हूँ मेरे मोहतरम बड़े भाई मिसम गोपालपुरी साहब की दुआएं मिल रही हैं, और बड़े भाई फिरोज रशीद साहब की दुआएं मिलती हैं। जब इनकी निजामत में पढ़ती हूँ मुझे बहुत हौसला मिलता है, मुझे बहुत तसल्ली होती है। मुझे मैं पेश करती हूँ बतौर खास भारत के तिरंगे को, लेकिन इस तरह नहीं, और जोरदार सुनिएगा आप, चौथे मिसरे में भरपूर दाद चाहिए आपकी। भारत के तिरंगे को देते हैं सलामी हम, और इसको बुजुर्गों की ताईद समझते हैं, और इसको बुजुर्गों की ताईद समझते हैं। सुन लो ये जहां वालों, हम ऐसे मुसलमान हैं। सुन लो ये जहां वालों, हम ऐसे मुसलमान हैं। आजादी के दिन क्या बहुत शुक्रिया। एक मतलब एक शेर हाजिर करती हूँ। इरशाद, दिल के वीरान एक बार तो घर पैदा कर, दिल के वीरान में एक बार तो घर पैदा कर, दिल के वीरान में एक बार तो घर पैदा कर, दिल के वीरान में एक बार तो घर पैदा कर। तू है आशिक तो मोहब्बत में असर पै, ये सदी ऐसी नहीं है कि सहारा दे दे, ये सदी ऐसी नहीं है कि सहारा दे दे, ये सदी ऐसी नहीं है कि सहारा दे दे। तुझको जीना है तो जीने का हुनर पैदा कर, तुझको जीना हुनर पैदा कर, तुझको जीना है तो जीने का हुनर पैदा कर। उसके बाद उसके बाद डालू चाक चाक, मामा जब हाथों को उसके गला डालू चाक चाक करूं, ये प्यार प्यार का किस्सा ही अब के पाके करूं, ये प्यार प्यार का किस्सा ही अब के पाके करूं। वो फेसबुक पे परेशान मुझको करता है, वो फेसबुक पे परेशान मुझको करता है, ये सोचती हूँ किसी दिन उसे साहिबा। एक फरमाइश ये भी है, मेरी बुलबुल चली चमन से लेके खुदा का नाम। जी गीत है, मैं पढ़ूंगी। मैं गजल पढ़ना चाहती हूँ, बिल्कुल ताज़ा गजल है।